खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिंदवाल और आज से आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज सुबह 9 बजे का मॉर्निंग स्पेशल आपके लिए लेकर आया है। मैं और प्रतिमा हर रोज आपको सुबह की शुरुआत में ही तमाम बड़ी खबरें बता देंगे या फिर ये कह लीजिए कि आज का एजेंडा सेट कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज मॉर्निंग स्पेशल में क्या खास है वो भी आपको बता दें। देखिए माया नगरी मुंबई जहां लगातार बारिश जारी है, बीती रात मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और ये तस्वीर मुंबई में हर साल देखने को मिलती है। अंधेरी सबवे में पानी भरने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। सायन, हिंदमाता, सांताक्रूज और खार सबवे में भी पानी भरने से गाड़ियों को आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। सायन और माटुंगा के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, लोकल गाड़ियां धीमी गति से चल रही है। कुर्ला सीएसटी रोड पर भी पूरा पानी भर गया है। दूर दूर तक जहां तक आप देखेंगे सड़कों पर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। जी हाँ, कुछ फ्लाइट्स हैं जो देरी से चल रही हैं। विमान की आवाजाही 10 से 25 मिनट देरी से चल रही हैं। जो फ्लाइट्स मुंबई एयरपोर्ट से जिनको उड़ान भरनी थी, जिन्होंने लैंड करना था, वो चल रही हैं देरी से। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त पूरी मुंबई का सूरत हाल आपके सामने रख रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, सड़कें बन गई है समंदर और मुंबई की नियति शायद यही हो गई है। पहले पूरा महीना इंतजार किया बारिश का, 15 दिन देरी से बारिश आई और बारिश आई तो एक रात की बारिश, कुछ घंटों की बारिश ने पूरी मुंबई को कर दिया जलमग्न। हर साल की यही कहानी, बीएमसी हो चाहे एनडीआरएफ हो, तमाम एजेंसियां आप सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि 4-5 घंटे की बारिश क्यों इतनी बड़ी, इतनी विकसित शहर का ये हाल कर देती है। पानी पानी हो गई है मुंबई और एक बार फिर से सवाल वही कि एशिया की सबसे रईस नगर निगम, सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी आखिर वक्त से पहले क्यों तैयारी नहीं करती। अंधेरी सबवे, कुर्ले वेस्ट, हिंदमाता, ये वो इलाके हैं, निचले इलाके मुंबई के जहां हमेशा पानी भरता है। बिल्कुल, तो राहत की उम्मीद करते हैं मुंबई वासी जब भी गर्मी वहां पड़ती है भीषण, और ये महीने होते हैं वहां बारिश के, लेकिन राहत नहीं मिलती, आफत बन जाती है हर बार ये बारिश। और हम देखते हैं किस तरीके से सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, ये जो लाइन है जहां पर लोकल ट्रेनें चलते हैं, उनकी आवाजाही हर बार बाधित होती है क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरा पानी पानी हो जाता है। और ये मुंबई के चेंबूर की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लोग अपनी पैंट जो है घुटनों तक चढ़ाकर और चलने को मजबूर है। और देखिए ऑटो किस तरीके से पूरी तरीके से पानी में है, गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में, और यही तस्वीर मुंबई की हर साल उभर कर सामने आती है। कुमकुम, तो मुंबई स्पेशल में हमने कर दिया है एजेंडा सेट, ये कि हफ्ते का पहला दिन है, आप निकलेंगे दफ्तर के लिए तो हमारी इन तस्वीरों से जरा अपने रूट को देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप निकलें गाड़ी से और स्थिति आपकी गाड़ी की भी यही हो जाए, जाम में फंस जाए, इंजन बैठ जाए। इस तरह के पानी में जब सड़कों में समुंदर का जैसा पानी आ जाए और ऐसा लगे कि आधी सड़कें या तो जलमग्न हो गई हैं, सड़कें हैं ही नहीं, ऐसे में गाड़ियां अगर एक खराब हो जाए तो एक लंबा जाम लग जाता है। चलिए अब आपको दादर ईस्ट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर बन गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सड़क पर ही स्विमिंग का मजा ले रहे हैं, तो ये दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जहां बच्चे जो हैं इस आफत की बारिश में भी अपने लिए मजा ढूंढ ले रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से इलाके में पूरी तरीके से पानी भर गया है और लोग जहां तहां परेशान घूम रहे हैं। तो सुबह 9 बजे के मॉर्निंग स्पेशल में ना सिर्फ हम तस्वीरों के जरिए बल्कि हमारे संवाददाताओं की नजरों के जरिए भी हम साफ तौर पर आपके सामने पूरा सूरत हाल रखते हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ गए हैं, सीधे आपको मृत्युंजय के पास ले चलते हैं। मृत्युंजय, मुंबई के किस इलाके में आप हैं और सायन से आप हैं, मुझे जानकारी मिली है, अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सप्ताह के कामकाज का पहला दिन, लेकिन आफत भरी बारिश, मुश्किलों भरी शुरुआत सप्ताह के कामकाज के पहले दिन की। मैं मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन के सायन स्टेशन के पास हूं और सायन स्टेशन के पास ही एक फुटओवर ब्रिज पर हूं जहां से मैं थोड़ा टॉप एंगल से ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मुंबई की लाइफ लाइन है जो कि आपको रेंगती हुई नजर आएगी। आपको चार ट्रैक एक दिशा में नजर आएंगे सेंट्रल रेलवे लाइन के, जो कि कल्याण और सीएसटी के बीच चलते हैं, और ये दो लाइन जो बाईं तरफ है ये हार्बर लाइन है जो कि मुंबई से नवी मुंबई की दिशा में जाती है। आमतौर पर हर 2 मिनट पर
तेजी से दौड़ती हुई लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं, लेकिन अब देखिए किस तरह से रेंगते हुए जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो आप देख रहे हैं पंप आउट स्टेशन यहाँ बनाया गया है, ये जो रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हुआ है उसको निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। रात भर बारिश हुई है, इसकी वजह से पानी भर गया था। अभी मुझे यहाँ पहुँचे हुए 20 मिनट हुए हैं, कुछ समय पहले तक पानी था, अभी भी है, जिसको पंप आउट करके निकालने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा मैं दिशा दिखा दूँ, लगातार यहाँ पर देखिए एक के पीछे एक ट्रेनें खड़ी हैं ट्रैक पर। अभी अब मैंने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 यानी दूसरे नंबर ट्रैक की तस्वीर दिखाई थी, उसी ट्रैक पर देखिए एक के पीछे एक आपको लोकल ट्रेनें दिखेंगी। आमतौर पर जो ट्रेनें हैं वो 2 मिनट की देरी पर यहाँ आती जाती रहती है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा देरी देखने को मिल रही है। ट्रेनें 25 से 30 मिनट देरी से चल रही हैं और ये जो ट्रेन है, ये जो दिशा देख रहे हैं, ये CST की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं। और वहीं आप एक और ट्रेन देखिए, ये कल्याण की दिशा में जाने वाली ट्रेन है। तो आप अनुमान लगाइए कि जो मुंबई की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई, यानी कि सप्ताह के कामकाज का पहला दिन और पहले ही दिन यात्रियों को, आम मुंबईकरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मृत्युंजय, आपने रेल पर किस तरीके का असर पड़ा है, लोकल ट्रेन पर किस तरीके का असर पड़ा ये तो हमें पता है, सामान्य यातायात के बारे में आप बता पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, सामान्य यातायात पर भी इसका असर जरूर पड़ा होगा। जी बिल्कुल, मुंबई की अगर यातायात की बात करें तो जो इलाकों में पानी भरा है, सबसे पहले वहाँ की बात बता दूं, क्योंकि वहीं पर बसों को और जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है। अगर मैंने आपको रेल सेवा के बारे में बता दिया कि देरी से चल रही है, एक के पीछे आपको एक ट्रेनें नजर आएंगी एक ही ट्रैक पर। आप देख सकते हैं एक के पीछे एक ट्रेन, यानी ट्रेन जो मुंबई की लाइफ लाइन है, जो कि सेंट्रल रेलवे लाइन 75 लाख लोगों को प्रतिदिन यात्रा कराती है, वो सुबह से ही प्रभावित दिख रही है। अगर हम सड़क यातायात की बात करें तो जो मुंबई का हिंदमाता इलाका है वहाँ पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बेस्ट की बसें हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। चूंकि सड़क का जो फ्लाईओवर वाला हिस्सा है उसे उपयोग में लाया गया है, लेकिन जो इसके अलावा अन्य जो 2 लेन है सड़क के किनारे वाले उसको उपयोग में नहीं लाया गया। इसके अलावा सायन में पानी भरा हुआ है, सायन किंग सर्कल का इलाका आता है, वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, वो निचला इलाका माना जाता है। और अगर लगातार 3-4 घंटे बारिश होती है तो वहाँ पर भी पानी भर जाता है, तो ये स्थिति किंग सर्कल पर भी है। सुबह का वक्त है, बहुत लोग एहतियातन निकलते हैं, बहुत लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने मुंबई की बारिश देखी हुई है। मुंबई में जब लगातार बारिश होती है पानी भरते तो गाड़ियों में पानी भर जाता है। आजकल लोग समझदार हो गए हैं पिछले कई सालों की बारिश को देखते हुए, और बहुत से लोग जब सुबह आकलन करते हैं कि आज बारिश ज्यादा होने वाली है तो वो अपनी गाड़ियां नहीं निकालते हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, उसके माध्यम से। मैं समझ रही हूं, आप वहां बारिश के बीच खड़े होकर मॉर्निंग स्पेशल के हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं और जो तस्वीरें सायन से मृत्युंजय दिखा रहे हैं, साहब आप समझ रहे हैं ना क्या हालत वहां पर मुंबई की, जान कहते हैं इस लोकल को, रेंग रही है लोकल। हफ्ते का पहला दिन लोग भागम भाग करते हैं क्योंकि सोमवार के दिन तो दफ्तर में ज्यादा काम होता है, जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे रहेंगेगी मुंबई लोकल तो क्या आप गंतव्य तक अपने पहुंच पाएंगे? मृत्युंजय ने सायन से तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिंद माता, जहां से मेरे दूसरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, हमने सायन का हाल देखा, हिंद माता की तस्वीरें आपके कैमरे के जरिए हमारे मॉर्निंग स्पेशल के दर्शक देख रहे हैं और मैं हैरान हूं, घुटनों तक आपके पानी है, बस आप सुरक्षित रहे अभिषेक। जी बिल्कुल, लगातार मुंबई में जो बारिश है उसने तो रुकने का नाम लिया ही नहीं है। जैसे तुमने कहा, मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ मुंबई के हिंद माता इलाके में। अगर आप देखें तो जो ये पानी भरा है वो कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए वाटर पार्क जरूर बन गया, ऐसे तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप दूर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनको स्कूल को शायद छुट्टी भी मिली होगी आज, तो सीधा अपना बस्ता सब समेट कर बाजू में रखकर वो यहाँ पर आ गए। अभी वो सभी टेंशन फ्री होकर वो सभी यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन जो सतर्कता दिखाने का जो काम है वो यहाँ पर BMC के जो कर्मचारी है और जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ इसी सड़क पर बहुत सारे जो मैनहोल है वो है, जो पानी को निकालने के लिए यहाँ पर ये मैनहोल्स खोल के भी रखे थे, तो डर ये बना था कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये कहीं इस मैनहोल के ज्यादा करीब ना चले जाए, उनका पैर फिसल कर उस मैनहोल में ना गिर जाए। लेकिन BMC के जो सारे कर्मचारी हैं वो सुबह से यहाँ मौजूद हैं। अभिषेक, जब मैं सुबह यहाँ आया था तब मेरे घुटनों के नीचे तक का पानी था, लेकिन देखते ही देखते ये पानी का जो लेवल है वो और भी बढ़ गया।
अभिषेक, हमें ये जानकारी मिली है कि मुंबई में स्कूल्स भी बंद किए गए हैं इस तरीके के हालात को देखते हुए, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, चलिए बच्चों के लिए तो ये वेकेशन हो गया, उन्हें वाटर पार्क मिल गया आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों को आफत भी हो रही होगी, मुसीबत भी हो रही होगी, ऑफिस जाने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर बहुत सारी जो गाड़ियां है वो फंसी हुई थी, जरूर वो जो गाड़ियां है अपने ऑफिस की तरफ ही जा रही होंगी, लेकिन जो मैं आपको बता दूं, ये जो पानी का जो लेवल है हिंद माता में इतने अचानक से बढ़ गया कि अंदाजा ही नहीं लग पाया कि इतने ये जो वाटर लेवल है बढ़ जाएगा, और मुंबई में जो बारिश है वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रॉब्लम ये हो गई अभी कि जो सभी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मुंबई में, रेलवे बोल सकते हैं, रोडवेज बोल सकते हैं, सभी इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि उसका जो मेन रीजन है वो रीजन ऐसा है कि जो बारिश है वो कंटिन्यूस हो गई है। और मुंबई के बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो अगर फ्रीक्वेंट बारिश जब होती है, अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो मुंबई पूरी ठप हो जाती है, और यही नजारा हमें आज यहाँ पर देखने मिला है। हालात पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और आपने देखी किस तरीके की तस्वीरें हिंद माता से निकलकर सामने आई, जहां पर पानी के बीच में बच्चे खेलने को मजबूर हैं, और वहीं कई सारे लोग जिन्हें ऑफिस जाना है वो बहुत ज्यादा मुसीबत झेल रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा मॉर्निंग स्पेशल में हमारा काम एजेंडा सेट करने का है, और आज हमने एजेंडा सेट सुबह सुबह कर दिया है कि माया नगरी मुंबई की नियति क्या यही बन गई है, होती नहीं चार घंटे की पूरा शहर जो होता है जलमग्न हो जाता है। दो इलाकों की संवाददाता की नजर से आपने तस्वीर देखी, अब आपको गणेश के पास ले चलते हैं। मेरे सहयोगी गणेश मुंबई के एक दूसरे इलाके में हैं, उनसे जानते हैं कि जहां पर वो हैं वहां पर सूरत हाल क्या है। गणेश, बताएं आप कहां पर हैं, आसपास क्या देख पा रहे हैं? जी कुमकुम, मैं फिलहाल मुंबई के पूर्वी उपनगर के पवई इलाके में हूँ, और पवई इलाके का ये पवई लेक, ये तालाब है जो पर्यटकों में काफ़ी मशहूर है। पहले तो आपको खुशनुमा माहौल दिखाता हूँ, किस प्रकार मुंबई पर ये बादल की पूरी तरह से चादर छाई हुई है। मुंबई की स्काईलाइन कैमरामैन अजय अजीत को बताने को कहूँगा मैं, ये स्काईलाइन देखिए किस प्रकार पूरे मुंबई के स्काईलाइन में काले बादल छाए हुए हैं, और इन्हीं की वजह से पिछले तीन दिनों से लगातार मुंबई में ज़ोरदार बारिश हो रही है। आज सुबह सिर्फ एक घंटे में 40 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश पूरे मुंबई शहर में हुई है, और कल रात 80 से 100 मिलीमीटर की बारिश मुंबई और पूर्वी उपनगर में हुई है, और अगले कुछ घंटे इसी तरह तेज़ बारिश होती रहेगी। और आज सुबह से जो बारिश हो रही उसकी वजह से मुंबई में लोगों ने अपने घर से बाहर आना सही नहीं समझा, इसलिए फ़िलहाल अमूमन इस वक्त मुंबई के इस सड़क पर मुख्य सड़क है JVLR, यहाँ ट्रैफिक जैम देखने मिलता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, लेकिन लोगों ने मुंबई की बारिश का जिन्हें सबको अनुभव है उन्होंने घर से ही काम करना या घर पे ही रहना सही समझा होगा, इसलिए लोग गाड़ियाँ लेकर बाहर नहीं निकले हैं। और कई स्कूलों में छुट्टियाँ भी घोषित कर दी गई थी, जैसे दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई में ज़ोरदार बारिश हुई है, सायन कुर्ला माटुंगा, तो वहाँ के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन कुछ स्कूल खुले हैं मुंबई के, और इस तरह की परिस्थिति है। आपको रेलवे लाइन की अगर बात कराएं तो रेलवे में तीनों लाइफलाइन जो है मुंबई की, सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न, वहाँ पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। पालघर में बीती रात बहुत बारिश हुई, इसकी वजह से वेस्टर्न लाइन की 13 ट्रेनें जो दूसरे राज्यों में जाने वाली थी वो रद्द कर दी गई हैं। पुणे और कर्जत के, पुणे की जाने वाली रूट जो है कर्जत के यहाँ पर जो हादसा हुआ है जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनों पर असर पड़ा है, 30 मिनट से ज्यादा सेंट्रल रेलवे देरी से चल रही है, हार्बर लाइन पे भी असर पड़ा, और वेस्टर्न जी आप आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए लगातार जो भी हालात होंगे उस पर। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर मुंबई के जमरंग और ठाकुरवाड़ी के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, और ये तस्वीरें देख लीजिए आप किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। हर बार जब मुंबई में बारिश हो रही है तो सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक प्रभावित होते हैं, और उसी की अब ये तस्वीर जहां मालगाड़ी जो है वो एक पटरी से उतर गई है। बीती रात से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसका अब असर भी दिखने लगा है, लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे लेकिन बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। तो कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई है, चाहे लोकल ट्रेनें हो, सड़कों पर आम या ट्रैफिक हो, या फिर हवाई यातायात हो, सब प्रभावित हुआ है, और ये मालगाड़ी है जो कि डिरेल हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी राहत है, लेकिन आफत तो देखिए है ही एक। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना होगा कि कोई भी शहर अगर जलमग्न हो रहा है तो उसके लिए बारिश तो कतई जिम्मेदार नहीं है,
उसके लिए जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है, खास तौर पर बीएमसी है, जिसका पूरा दारोमदार होता है सड़कों को दुरुस्त करना। और मुंबई में अगर आप रह रहे हैं तो मुंबई में सड़कों का या फिर रेल लाइंस की खस्ता हाल का अंदाजा आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मुंबई में क्या स्थिति बारिश के बाद हो गई है, पैदा मूसलाधार बारिश, आधे स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, जहां छुट्टियां हुई हैं बच्चे सड़कों पर स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सड़कों को, जहां छुट्टियां नहीं हुई है वहां ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आप दफ्तर के निकलिएगा तो अपना रूट देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके निकले आप और इस तरह से आपकी गाड़ी फंस जाए, इंजन खराब हो जाए और लग जाए ट्रैफिक जाम। तो महानगरी मुंबई की तो तस्वीरें आपने देख ही ली, अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। देखिए एमपी के नीमच में जोरदार बारिश हुई है, लेकिन यह बारिश लोगों के लिए कैसे मुसीबत लेकर आई है आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उफनती नदी को पार करने के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। वो भले ही वहां मौजूद लोगों का वो भला हो जिन्होंने उसकी जान बचा ली। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप नीमच में, देखिए जान जोखिम में उठाकर गहरे पानी में इन्होंने बाइक चलाई और किस तरीके से पानी अपने बहाव के साथ इनको बहा कर ले जा रहा है। वहां मौजूद लोगों ने इन लोगों की जान भले बचा ली, लेकिन देखिए खुद ही इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। कुमकुम बाकी हम इन तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे, ऐसी गलती देखिए आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पानी कितना निचला है, कितना गहराई में है, आपको इस बात का इल्म नहीं होगा। राहत की बात यह है कि वहां पर जितने लोग थे उन्होंने इस बहाव के बीच बह रहे लोगों को बचा लिया, लेकिन हर कोई इतना अच्छी किस्मत वाला, इतना खुशकिस्मत नहीं होता है। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में ऐसी गलती मत कीजिए। देखिए साहब दुर्घटना से देर भली जितना हो सके इंतजार कीजिए पानी के और नीचे जाने का, और जब आप देखें कि सुरक्षित आप पहुंच सकते हैं दूसरे हिस्से में, तभी आप इस तरह के पानी को पार करने की कोशिश करें। तो मॉर्निंग स्पेशल में एबीपी न्यूज देश भर की हर खबर आपके लिए लाया है समेटे हुए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि दिन की शुरुआत में प्रतिमा दिन का पूरा हाल दर्शकों के सामने रखते। बिल्कुल अभी कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं एबीपी न्यूज पर, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।